हिंदू संगठनों के द्वारा दमोह बंद का आह्वान किया गया था। सुबह से ही सभी दुकानें बंद नजर आईं, वहीं सड़कों पर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आई। तो वहीं सड़कों पर हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा लोगों से अपील भी की जाती रही। मालूम हो कि धर्मांतरण के मुद्दे सहित बिलवारी मोहल्ला में शिवलिंग क्षतिग्रस्त करने के मामले में हिंदू संगठनों में रोष है और इसको लेकर के 23 दिसंबर को दमोह बंद का आह्वान किया गया था और इसी लिहाज से हिंदू संगठनों के द्वारा दमोह बंद कराया गया है। तो सुबह से दुकानदारों के द्वारा दुकानों को नहीं खोला गया, तो वहीं पुलिस भी पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज़। कृपया कर अनुशासन में रहेंगे, अनुशासन का परिचय प्रदान करें। सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध है कि अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर आज के इस बंद को सफल बनाए। ईसाई मिशनरियों के द्वारा जिस प्रकार से बंद रहेगा, आज तक वो बंद रहेगा, हम सभी को पता है अपनी शक्ति शुरू कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। रखे एक ही तरह से एक साथ आए सबो जिले में दमो शहर में कुछ दिन पूर्व बिलवारी मोहल्ले में शंकर जी की प्रतिमा को एक विधर्मी मुस्लिम द्वारा तोड़ दिया गया। उसके कुछ दिन पूर्व ईसाई मिशनरियों का खुलासा हुआ जो दमो में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण करा रही। दमो की ईसाई मिशनरी जैसे कि विवर्त लाल, विवेक लाल, अजय लाल के 10 परिवार के 10 सदस्यों के ऊपर FIR दर्ज हुई। आज दिनांक तक पुलिस उनके घर नहीं गई और ना गिरफ्तारी के लिए कोई नोटिस दिया। दूसरा मामला मड़ाहार का है जिसमें धर्मांतरण हुआ, पुलिस ने उसमें भी लीपापोती की, अपराधियों को बाहर जाने की पूर्ण छूट दी। इसके बाद गौ हत्या दमो में चरम सीमा पर है। जिस तरीके से प्रशासन दमो का मौन बैठा है उससे तो हम लोग को लगता है कि दमो के प्रशासन से हम किसी प्रकार की बात कर ही नहीं सकते। मजबूरन हमें आज दमो बंद करना पड़ा। इसलिए आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, समस्त व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठनों के सहयोग से आज दमो बंद का आह्वान किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा दमो बंद का जो आह्वान किया गया है और हमारे सभी व्यापारी बंधु इस दमो बंद में सहयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि दमो में विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण जैसे केसों का आना और उसके बाद गौ हत्या जैसे इस दमो में गौ हत्या एक चरम सीमा पर जो गोवध चल रहा है उसको लेकर के, और हाल ही में एक अभी हमारे बिलवारी मोहल्ले में शिव शंकर जी की जो प्रतिमा को खंडित किया गया है, तो उसको लेकर के पूरे हिंदू समाज में एक रोष व्याप्त है और शासन प्रशासन मौन है। शासन प्रशासन इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसको लेकर के आज समस्त हिंदू संगठनों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में दमो बंद का आह्वान किया है। मैं सभी हिंदुओं से और सभी व्यापारी बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि इस दमो बंद में आप अपना सहयोग दीजिए और इस दमो की शांति व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करिए। वर्तमान में दमो शहर में जो धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं और हमारे भोलेनाथ जी की जो बिलवारी मोहल्ला में मूर्ति खंडित की गई, कुछ दिनों पूर्व लोगों में भी बजरंग बली बप्पा की मूर्ति खंडित की गई, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सभी हिंदुओं ने, हमारे पूरे व्यापारी भाइयों ने विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के बंद के आह्वान का पूर्ण समर्थन करते हैं। और यदि इन पर रोक शासन प्रशासन नहीं लगाता तो हम
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का फिर से पूर्ण समर्थन करेंगे। यह जिला व्यापारी महासंघ की पूर्ण सहमति रहे। हिंदू संगठनों के द्वारा दमोह बंद का आह्वान किया गया है। पूरे शहर में जगह जगह बल लगाया गया है, पेट्रोलिंग लगाई गई है और सभी जगह वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। शांतिपूर्ण है, अभी सुबह से मार्केट खुला नहीं है। डेली रूटीन में मार्केट जो है 9:30-10 बजे खुलती है। अपने समय से मार्केट खुलने की संभावना है। पर्याप्त बल लगाया गया है, शांतिपूर्ण व्यवस्था है।